देखिए क्वेश्चन है 20 मार्च 2000 को मंगलवार है, तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए 20 मार्च और 20 मार्च यानी डेट तो सेम दिया हुआ है, मंथ भी सेम दिया हुआ है, बस ईस्वी का खेला है, यानी कि यहाँ ईस्वी सिर्फ चेंज कर रहा है। तो ईस्वी चेंज हुआ है तो सिर्फ हमें तब जो है आपका डे पूछा जा रहा है, तो कोई बात नहीं है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसमें से माइनस कर देंगे। तो अब देखिए 12 में से 2012 में से 2000 आप माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो आपको आ जाता है यहाँ पर 12। ठीक है, अब इतना कर देने के बाद आपको इसमें अब इस दोनों के बीच में आपको लीप ईयर्स खोजना है कि इस बीच में कितना लीप ईयर्स आता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 2000 लीप ईयर्स आ रहा है, 2000, उसके बाद देखेंगे 2000 के बाद जो आपका लीप ईयर्स आएगा वो 2004 आएगा, उसके बाद जो देखेंगे 2004 के बाद जो लीप ईयर्स आएगा वो 2008 आएगा, और उसके बाद आपका 012 यानी कि 2012 आएगा। तो 2000, 2004, 2008 और 2012 यानी कि 4 लीप ईयर्स आ रहा है। लेकिन इसी में एक जो आपका लॉजिक है वो आपको ध्यान देने वाली बात है कि 2000 देखिए सबसे पहले 20 मार्च 2000 तो लीप ईयर्स तो हम क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि लीप ईयर्स तो हम तब इसमें इंक्लूड करेंगे ना जब हम 20 यानी कि लीप ईयर जो फरवरी होता है 29 दिन वाला उसके पीछे रहेंगे तभी ना हम लीप ईयर्स इंक्लूड करेंगे, तब ना एक दिन जोड़ेंगे, क्योंकि 29 दिन जब एक लीप ईयर्स में एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है वो तो 29 से फरवरी में होता है, लेकिन हम फरवरी को तो क्रॉस कर चुके हैं क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ 20 मार्च, तो हम फरवरी को तो क्रॉस कर चुके हैं, तो इसीलिए हम इस लीप ईयर्स इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एक एक दिन वाला जो होता है उसको तो हम क्रॉस कर चुके हैं। तो ये आपका एक लीप ईयर्स नहीं, हालांकि होना चाहिए यहां पर 4 लीप ईयर्स, लेकिन यहां पर होगा सिर्फ ये 2000 वाला कैंसिल हो जाएगा। अब बचा आपका 04 यानी 2004, 2008 और 2012। अब 2012 क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि 20 मार्च है, यानी कि हम 2012 भी लीप ईयर्स है लेकिन 20 मार्च है, यानी कि हम फरवरी को क्रॉस करके 20 मार्च में जा रहे हैं, यानी कि जो 29 दिन वाला फरवरी है उसको हम क्रॉस कर रहे हैं, तो इसीलिए ये 012 इंक्लूड होगा। यहीं पर अगर 20 जनवरी रहता तो फिर हम 12 को भी इंक्लूड नहीं करते क्योंकि हम फरवरी से पहले ही आ चुके हैं, तो इसीलिए हम 12 इंक्लूड नहीं करते क्योंकि हम आगे जा रहे हैं और ये हम इसको छोड़ के आगे निकल चुके हैं, तो जिसको निकल चुके हैं उसको तो हमको छोड़ देना है, यहां आगे जा रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर हमें इस वाले लीप ईयर्स को पकड़ना पड़ेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर होना तो चाहिए 4 लीप ईयर्स आपके हिसाब से क्योंकि 2000 भी लीप ईयर्स है, लेकिन 20 मार्च है यानी कि हम फरवरी को क्रॉस कर चुके हैं तो ये होगा नहीं, तो इसीलिए इसमें जो लीप ईयर्स आएगा वो होगा 3। तो अब 12 और 3 को आप अगर जोड़ते हैं तो 12 3 आपका 15 हो जाता है, और आपको मैंने बताया ही है कि अगर ये 15 दिन का हो गया तो इसको अगर आपको डे में निकालना है तो आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि सप्ताह में तो 7 ही दिन होते हैं, तो अब आपका रिमाइंडर आ जाता है 1। अब जो ये रिमाइंडर 1 आया है इसी को आपको इसमें जोड़ देना है, यानी कि मंगल में एक दिन आप एक्स्ट्रा कर दीजिए, तो मंगल में आप अगर एक दिन एक्स्ट्रा करते हैं तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बुधवार, यानी कि मंगल प्लस 1 यानी बुधवार आपका आंसर हो जाएगा। यही था कुछ आसान सा ट्रिक इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप इस वे से बताएंगे, बस आपको ये देखना है कि जो आपका जो लीप ईयर्स है आप क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।